और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अबू तलहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबू तलहा, ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, 3 बदमाशों को घायल किया गया है जबकि 2 पुलिसकर्मी भी घायल है, जाना चाहेंगे आपसे मामला। जी देखिए, आपको बता दें जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल खुद डीजीपी को तलब किया था और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज सुबह ही लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें इस मुठभेड़ में जो लखनऊ पुलिस ने कई जो पुरानी घटनाएं उनका खुलासा किया और बीते कुछ दिनों पहले आलमबाग थाना क्षेत्र में आरके ज्वेलर्स का लूट हुई थी और 3 लोगों की हत्या हुई थी, उन घटना में भी ये बदमाश शामिल थी। और आपको बता दें करीब 3:30 बजे ये एनकाउंटर हुआ है यहाँ पे और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों के पास थे 2 रिवॉल्वर और 1 देसी तमंचा भी बरामद हुआ है। बदमाश बिना नंबर की बाइक से घूम रहे थे, उसी टाइम मुखबिर की सूचना मिली जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर किया। जी लाल, 2 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है उनकी स्थिति को लेकर? जी देखिए, आपको बता दें हालांकि जो 2 पुलिसकर्मी ही घायल हैं उनके गोली तो नहीं लगी है, पर जो मुठभेड़ होता उसी टाइम उनके चोट लग गई, दोनों को ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया और दोनों की हालत इस टाइम सही बनी हुई है। जी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।